ये तो भाई बहुत समस्या हो गई तुम्हें। मुगल वाले बताओ, जी थॉमसन ने कुछ तो बताया था ना, एक लाइन दो लाइन में बताओ, खत्म करो, उतना ही चाहिए मुझे। मुगल वाले थॉमसन ने क्या बताया था? एटम मेड बाय न्यूक्लियस, सही बोला तुमने। तो 12 न्यूक्लियस को ऐड कर देंगे, एक एटम बन जाए, है ना? मैंगो मेड बाय सीड्स, 10 आम का, 10-15 आम के सीड्स ले आना और उसको आपस में ऐड कर देना, मैंगो बन जाएगा। फिर उसको मैंगो शेक बना करके सब लोग खाएंगे। अगल वाले हाँ बताओ। क्या बोला? एक चीज समझ में आया, स्पीयर, उसके अलावा तो कुछ समझ ही नहीं आया मुझे, क्या बोला था? ऐसा कुछ बोला था बिल्कुल। तुम बताओ बगल वाले, पता ही नहीं, नाम पता है? क्या नाम है तुम्हारा? करण? बहुत पूरा नाम करण? नाम याद रहेगा ना, नाम याद रखना, नाम मत भूल। चलो जाओ तुम बताओ। इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी, उन्होंने बताया था कि क्लम कोडिंग मॉडल बताया था, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वाटरमेलन जैसे स्केटर में होते हैं। भावनाओं मत कहो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कुछ बोला ही नहीं था उन्होंने। उन्होंने बोला पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से स्फीयर बना होता है, और क्या बोला था? खड़े हो जाओ पहले। डेफिनेशन का पूछ रहा हूँ, समझा दो मुझे, बस समझा दो, डेफिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं। क्या क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आता। नहीं आता तो बोलो, नहीं आता तो मैंने कब बोला क्या आता है? हाँ भाई शुक्र हो जाओ। हाँ भाई बगल वाले, नहीं आता। दुख तुम फिर जाओ। ये फंक्शन ने प्लम कोडिंग वाला स्ट्रक्चर बताया था, उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त स्थिति में होते किस्मत है, मूवी किस लिए होते हैं? ठीक है, तुम हिंदी बोलो मराठी बोलो चलेगा, बात मतलब समझ में आना चाहिए, बस इतना ही मोटो है हमारा, मतलब क्या है बस वो समझा दो बस, और कुछ हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बोला? लो प्लस घूमते रहते हैं इधर ना, कभी बारामती कभी घूमते रहते हैं। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? बगल वाले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, बचो एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, मास नंबर, दैट इज मास नंबर। देख बैठो, कार्बन 14 में, कार्बन 14 लिख करके दिया है इसे, कर दिख रहा है इसको, थोड़ा सा ये करो, ब्लर आ रहा है, इधर अपने घुमाओ, हाँ और थोड़ा घुमाओ, अभी क्लियर दिख रहा है सभी को? लाइट्स,
मैं मतलब मैं भी उठ के ऑफ कर सकता हूँ, क्या है उम्र हो गई ना मेरी, तो उठता हूँ तो पूरे कमर में दर्द होने लगती है, इसलिए मैं नहीं उठता, समझे? तो तुम लोग ऐसा मत सोचना कि हमारे साथ लेजी लेजी नहीं हूँ, उम्र हो गया है इसलिए। तो भाई साहब आप बताएंगे हमें क्या बताएंगे, उनसे पूछा है तुम पढ़ा रहे हो? अच्छा अभी बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? टॉपर तो इसी बात से आएगा आपकी बात, ये बात तो सही है, यानी लाने फरमान नहीं ऐसे टॉपर बनना है। तो इसमें मास नंबर कौन सा है? 12, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 6, बैठो। इन दोनों का रिलेशन बताओ, इन दोनों का रिलेशन बताओ। जय हो। चलो कोई बात नहीं, ये बताओ कि कार्बन 14 में मास नंबर क्या है इसका? 14, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 6 है, बैठो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वाले में कितने हैं? 12, 6, बैठो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वाले में कितने हैं? बैठो। इन दोनों के बीच का रिलेशन बताओ। दुनिया में कितना गम, हमारा गम सिर्फ कुछ आंसर नहीं करना है। बगल वाले, अच्छा ये बताओ इसमें इसमें मास नंबर कितना है? 14, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन, बैठो, बताओ रिलेशन। आइसो, बैठो। तुम क्या बताओगे, तुम ये बताओ, इन दोनों के बीच का रिलेशन बताओ। ये दुख कभी खत्म नहीं है। लास्ट बेंच, चलो जाइए, बताइए इन दोनों का रिलेशन क्या है? आइसो, आइसोडाइपर। बगल वाले, क्या जो बोल रही है करेक्ट बोल रही है? बगल वाले, क्या जो बोल रही है करेक्ट बोल रही है? नहीं, यस, ठीक है। देन व्हाट इज आइसोटोन्स? उधर वाले, व्हाट इज आइसोटोन्स? थ्री नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसमें बताइए, तीन पेयर देता हूं मैं आपको, ए बी एन सी, आइसोटोन कौन सा है? कार्बन है, जो सी नहीं दिखा, दिखा नहीं, पर मैंने सी, ये रिलेशन सी है। हाँ ठीक है, बैठिए। बगल वाले, व्हाट इज आइसोबार? काम से गए आप आज। बताइए व्हाट इज आइसोबार? सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसे बताओ आइसोबार कौन सा है? बी, बैठिए। आगे वाले,
आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्थिति क्या होते हैं सर? मैं कल नहीं आई इसलिए बैठा हूँ। अगले वाले आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्थिति क्या होता है? छह नंबर इसमें कौन सा है आइसोइलेक्ट्रॉनिक? और C14 और नहीं है C14 और C12 नहीं है, है डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, तब होगा। अगर बोरोन पे मेहनत रखेंगे तो ये दोनों होगा, है ना। चलिए बहुत अच्छे बैठिए। अगल वाले आइसोस्टर क्या होता है? बैठिए ये तो भर गया है। ठीक है आगे खाली करो, बस आगे दो दो बैठो, एक मिनट से दो पीछे ना लोगों से दिखता नहीं लोगों सेटिंग और सेटिंग में अच्छा करो जाओ पीछे जाओ आगे बात करना तो फिर वो पैर से अरे तीन तीन आसन तो ये पता नहीं सिग्नल दो दो करके चले जाइए यहां बैठे तो आप तीन वाले टाइम पे आप तीन वाले दिखाई तो समाधान बारे में बात करो लोग बैठ गए इधर वाले और कहीं तीन वाले हो क्या? स्पेस रखो बीच में, स्पेस रखो, ग्रैंड ट्रंक रोड दिखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा स्पेस रखो। इधर आओ, हाँ इधर आओ, तुम भी तो इधर आओ, ठीक। अभी दिख रहा है पीछे वाले? ठीक है, नहीं दिख रहा तो पढ़ाने से कोई फायदा है नहीं तो फिर तुम लोग को दिख ही नहीं रहा पीछे, पीछे वाले दिख रहा है क्या? पर्दा लगाओ, उधर से पर्दा लगाओ, ये पर्दा लगा दो, उधर कोई भी एक पर्दा लगा दो, पर्दा लगा दो। अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। इतने सर काम के लिए तुमने क्लास बंद करवा दिया हमारा। ठीक है यहाँ तक हो गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला, क्या उन्होंने क्या बताया था? रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने बताया कि हमारा जो एटम है, एटम किसके जैसा है? एटम हमारा सोलर सिस्टम के जैसा है। जैसे पता क्या होता है, सोलर सिस्टम के सेंटर में है, हम लोग आगे उसको कंट्रोल नहीं निकल के रख सकते, कंप है वो तेज चलेगा, वो बंद कर दूंगा, वो चलेगा। अच्छी बात है, इसका फिर वो बंद कर देगा। तेज है और क्या करें, ऐसा चलेगा वो चलेगा। अच्छा आपने तो सही कर लिया, करो सुपे चले चले नहीं चले तो भगवान। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, तो उसमें क्या बोला है कि
कि न्यूक्लियस क्या होता है हमारा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अंदर कौन है, न्यूट्रॉन है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है उस प्रोटॉन के चारों ओर घूमता रहता है। क्लियर है? अरे क्लियर है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगाता है और इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। क्लियर है? समझ गए यहाँ तक की बातें? चलिए तो उसके बाद देखिए, अब क्या है आगे, मैक्सवेल की थ्योरी आई थी। मैक्सवेल थ्योरी क्या कहता है कि एक पॉजिटिव चार्ज अगर किसी नेगेटिव चार्ज या एक नेगेटिव चार्ज किसी पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर घूमता है, मतलब अपोजिट चार्ज किसी दूसरे अपोजिट चार्ज के चारों ओर अगर घूमता है तो इस दौरान में क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। ये चीज लिख रखा है, एनी पार्टिकल्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विल अंडरगो एक्सीलरेशन, ड्यूरिंग एक्सीलरेशन चार्ज पार्टिकल्स विल रेडिएट एनर्जी। क्या करेगा वो? एनर्जी रिलीज करेगा। अरे क्लियर है, तुम लोग पढ़े होगे ना, रेडियल एक्सीलरेशन क्या होता है, एमवी स्क्वायर बाय आर। पढ़ा है ये? नहीं इतने पढ़ा होगा। सर्कुलर मोशन पढ़ा या नहीं? अरे पढ़ा है। सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल्स अगर सर्कुलर मोशन में होता है तो उस पे कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, और सेंट्रीपेटल फोर्स का एक्सीलरेशन क्या होता है, एमवी स्क्वायर बाय आर। ये होता है ना? अरे ये होता है। तो क्या कहा उन्होंने, इस पे फोर्स लग रहा है, तो क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, मतलब ये एक्सीलरेटेड है। अगर कोई भी सिस्टम एक्सीलरेटेड है इसका मतलब क्या करेगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा। तुम लोग बाइक चलाए हो, कार चलाते हो, मतलब बैठे हो ना कार पे, तो कार की स्पीड बढ़ेगी तो क्या पेट्रोल जलेगा या नहीं? अरे चलेगा नहीं। तो क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन के लिए हमें क्या यूज करना पड़ रहा है, एनर्जी यूज करना पड़ रहा है। तुम्हें अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे जाओ नीचे रन करते हुए, नीचे जाओ और रन करते हुए नीचे ऊपर आओ, तो क्या होगा, तुम जा तो सकते हो, दौड़ते हुए चले जाओगे ना, मगर उसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा या नहीं? अरे होगा या नहीं? तो जब भी कोई चीज एक्सीलरेट करता है इसका मतलब क्या हो गया, कि उससे एनर्जी रिलीज करेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रिलीज कर रहा है तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट धीरे धीरे डिक्रीज करना चाहिए। अरे करना चाहिए या नहीं? तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन था आपका पहले इनिशियली यहां पर था, इलेक्ट्रॉन कहां था, इनिशियली इलेक्ट्रॉन हमारा यहां पर था। अब ये क्या होगा, धीरे 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 इसका रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करता चलेगा। जैसे जैसे रेडियस डिक्रीज करेगा ये क्या होगा, न्यूक्लियस के पास आता चलेगा, अरे आएगा, और अगर धीरे धीरे ये न्यूक्लियस के पास आएगा तो फाइनली क्या होगा, न्यूक्लियस पे कोलाइड कर जाएगा। अरे कर जाएगा। तो क्या ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एटम एग्जिस्ट करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा है तब तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, मगर एटम क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस कंसेप्ट को जब रदरफोर्ड से पूछा गया कि बताइए आपने जो सिस्टम बताया है उसमें भी तो ये कंसेप्ट लगना चाहिए, उसने बोला हाँ लगना तो चाहिए, फिजिक्स का कंसेप्ट लगना तो चाहिए। तो फिर अगर लग रहा है तो फिर आपका, आप जो बता रहे हैं कि एटम ऐसा है, ऐसे तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। हमने कहा भाई एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो रदरफोर्ड से पूछा गया बताओ क्यों एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्या रीजन है, ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा भाई हमको कुछ नहीं पता, हमने जो बना करके दे दिया है और हमको इतना ही आता है, इसके ज्यादा हमको नहीं आता है, तुमको पास करना है करो, नहीं पास करना है छोड़ो। समझ गए? तो क्या हो गया, रदरफोर्ड की थ्योरी यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स आ गए, रदरफोर्ड की थ्योरी में क्या आ गए, कुछ ड्रॉबैक्स आ गए। अब इसी ड्रॉबैक को एलिमिनेट करने के लिए कौन आएगा, मैक्सवेल नील्स बोर आएगा। चलिए तो अब बोर्स मॉडल ऑफ एटम इसको नोट करना है, चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको, फिर एक्सप्लेन करते हैं। हाँ निकाल सकते हैं इसमें डायग्राम, थोड़ा सा काम पड़ेगा एन, इसलिए यहाँ पे N1 N2 N3 KLN सेल थोड़ा यूज पड़ेगा इसका, इसलिए बस लिखवा रहे हैं। ये तुम दोबारा से पढ़ोगे, मगर सिर्फ बोर्स मॉडल लिखना है, हम बाकी और कोई मॉडल नहीं लिखना, थोड़ा सा लिखेंगे वो भी ज्यादा नहीं, चार पॉइंट है बस, चार पॉइंट ही लिखवाएंगे, है तो बहुत सारे पॉइंट मगर बाकी पॉइंट सब नहीं लिखेंगे, ये चार पॉइंट ही लिखवाएंगे।
नोट कर लिया? करो जल्दी करो जल्दी करो। हो गए लिख लिया? हाँ चलो समझे क्या बोल रहा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफिनिट एनर्जी लेवल। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, एक डिफिनिट ऑर्बिट में घूम रहा होता है। उस ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। मतलब हर एक ऑर्बिट के उन्होंने क्या क्या डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि देखो ये जो डिस्टेंस है, हर एक डिस्टेंस पे जो एक ऑर्बिट को डिफाइन किया उन्होंने, एक फिक्स डिस्टेंस पे एक ऑर्बिट को डिफाइन किया और बोला कि ये जो ऑर्बिट है ये एक एनर्जी लेवल है। मतलब इस ऑर्बिट की अपनी एक खुद की एनर्जी है और जो भी इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में अवेलेबल है, इसका एनर्जी और इसका एनर्जी क्या है, इक्वल है। इसलिए जब ये इसके अंदर घूम रहा होता है ना, इसके अंदर मूव कर रहा होता है, तो ये कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करता। क्लियर है ये बात? क्लियर है? तो उसी चीज को उन्होंने कहा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट एनर्जी लेवल कॉल्ड ऑर्बिट और सेल इन एन एटम विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। मतलब उसमें मूव करता है और एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिमेन इन द सेल इट नेवर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इस सेल में है, तो ये एनर्जी रिलीज या गेन नहीं करेगा। तो कहता है फिर कब रिलीज करेगा, कब गेन करेगा? ये कहते हैं अगर इलेक्ट्रॉन हमारा लोअर से हायर लेवल पे गया, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जाता है, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या करता है, एनर्जी गेन करता है। देखो यहाँ पर क्या है, ये n इक्वल टू 1 पे था, फर्स्ट सेल पे था, ये क्या चला गया, जंप करके सेकंड सेल पे गया। तो कहता अगर सेकंड सेल पे जंप करना है तो क्या चाहिए उसको, एनर्जी चाहिए। तो इसको एनर्जी देंगे फिर क्या होगा, वो दूसरे सेल में जाएगा। जैसे पानी है, नीचे पानी स्टोर है, तुम्हें टंकी में डालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, मोटर चालू करना पड़ेगा। मोटर क्या कर रहा है, एनर्जी उसको सप्लाई कर रहा है। अरे क्लियर है? अब अगर ऊपर से नीचे लाना है तो क्या करो, टैप खोल, नल खोलो, अपने आप पानी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अगर ऊपर से नीचे आना है, मतलब अगर ये हायर एनर्जी लेवल पे है और नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्या कर रहा है, ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। जैसे वाटर ऊपर लेवल टंकी में है, तुम नीचे लाओगे तो क्या होगा, वो वेलोसिटी से निकलेगा, तो उसका क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर जाता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है, कन्वर्ट कर जाता है। क्लियर है? तो क्या हो रहा है, वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है। यहां से ऊपर से नीचे आएगा, जब भी वो हायर एनर्जी लेवल से नीचे आएगा तो क्या करेगा, ये अपना एनर्जी रिलीज करेगा। किस फॉर्म में रिलीज करेगा, रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज करेगा। क्लियर है? किस फॉर्म में रिलीज करेगा, रेडिएशन समझते हैं, वेव समझते हैं, वेव की एनर्जी होती है, क्या होता है वेव का एनर्जी, इक्वल टू एच वी होता है। अरे पढ़ा होगा ना वेव, थोड़ा सा डिस्कशन है, साउंड वेव पढ़ा था क्लास 9th में, साउंड वेव का चैप्टर आता है, पढ़े थे, नाम सुना था कभी, सुना होगा ना कि वेव ऐसा होता है, ऐसे ऐसे चलता है ना, ऐसे मूव करता है, ये इसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, ये उसका क्या होता है, वेवलेंथ होता है, और एक सेकेंड में कितने बार ये मूव किया है, दैट इज देयर फ्रीक्वेंसी। पढ़ा था या नहीं, सुना था नाम। तो वेव की एनर्जी जब हम डिफाइन करते हैं तो क्या लिखते हैं, एच इंटू न्यू लिखते हैं। एच क्या हो गया, प्लैंक कांस्टेंट हो गए, और न्यू क्या हो गया, कोई बात नहीं, बच्चे को ढूंढ रहे होंगे, नए नए बच्चे रहते तो थोड़ा डर रहता ना, भटक ना जाए बच्चे हमारे, नहीं रहता क्या करेंगे, कोई बात नहीं। अरे क्लियर है? तो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज कर रहा है, एनर्जी जो गेन कर रहा है। अब ऐसा तो नहीं ग्लूकोज का पैकेट लेकर के जाओगे इलेक्ट्रॉन को, लो पी लो और जंप कर जाओ, ऐसा होगा क्या, नहीं। वो क्या करता है, सराउंडिंग से एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, सन से एनर्जी क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है। क्लियर है? अरे क्लियर है? ऊपर से फिर क्या होगा, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर ये 100 किलोमीटर से मूव कर रहा था, यहाँ पर आकर के 2000 किलोमीटर से मूव करने लगेगा, ऐसा तो नहीं है, एक फिक्स वेलोसिटी से मूव करेगा। तो यहाँ से यहाँ आते वक्त क्या कर रहा है, ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, और जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो क्या कर रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है। किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में एनर्जी गेन और रिलीज करता है,
रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी गेन और रिलीज करता है। इधर बैठो, लास्ट बेंच पे, कोई दिक्कत नहीं, इधर बैठो। चलिए, कहा था मैं, एनर्जी समझ गए, अभी क्लियर है। तो एनर्जी रिलीज करेगा किस फॉर्म में? ग्लूकोज के पैकेट के फॉर्म में, और गेन करेगा किस फॉर्म में? ग्लूकोज के पैकेट के फॉर्म में। अरे करेगा या नहीं, तो किस फॉर्म में करेगा? किसमें एनर्जी किस फॉर्म में गेन करेगा और किस फॉर्म में रिलीज करेगा? रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी गेन करेगा और रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। रेडिएशन का मतलब क्या हो गया? वेव्स हो गए। क्लियर है? अरे क्लियर है, समझ गए। ये जो लाइट जा रही है क्या है? ये भी एक रेडिएशन है। अरे है या नहीं? ये भी क्या एक वेव है? सनलाइट जो क्या एक वेव है? अरे है या नहीं? हाँ, सनलाइट वेव है, समझते हो? अरे समझते हो या नहीं? क्लियर है, समझ गए, छापोगे, छापो। इतना सा बात समझाने में आधा घंटा लगा देते हो। अब कल से हमारा क्वांटम नंबर चालू हो जाएगा। ये छोटी मोटी बातें थी, तुम लोगों को बता दिया। कल से हर सभी चीजों को लिखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा आपको। हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। सैटरडे के पहले तक जो पढ़ाऊंगा सब आएगा। कौन सैटरडे? नहीं, 4th ऑफ सितंबर तक, समझ चलेगा? सब आएगा, सब पढ़ के आने हैं। बैकग्राउंड में कोई आवश्यकता नहीं है, इतना लिख लिया काम चल जाएगा। कोई सो मत जाना, अभी क्लास आए हो, तुरंत मत सो जाना, लास्ट क्लास में सोया करो। अब ये मत बोला आयुष सर को, अंकित सर बोले लास्ट क्लास में सो जाया करो, तो लास्ट क्लास में नींद आती है, पहली क्लास में थोड़ा आती है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, इसको बस नोट कर लीजिए आप, अभी आपके किसी काम करें नोट कर लीजिए, फिर मैं डिक्टेट कर देता हूँ, ठहर जाओ। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एम एच बाय 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम समझते हो क्या होता है? मोमेंटम समझते हो क्या होता है? ये एक बॉडी है रखा हुआ, मास m रखा, इसको मूव कराया हमने किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। मास कितना है इसका? m है। तो क्या होता है इसमें? एक मोमेंटम एक टर्म डिफाइन होता है फिजिक्स में, तुमने पढ़ा होगा 9th में, है ना? पढ़ा है ना? तो क्या होता है m भी क्या हो गया? मोमेंटम हो गया। ये लीनियर मोमेंटम होता है ना? अब अगर पार्टिकल्स ऐसे ही चारों ओर घूम रहा है, सर्कुलर पथ में घूम रहा है, तो एम भी क्या हो गया? लीनियर मोमेंटम। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और हमें क्या चाहिए? सर्कुलर डायरेक्शन में। तो हम क्या बोलते हैं इसको? एम भी आर लगा देते। क्लियर है? अरे क्लियर है, समझ गए। तो ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसमें, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट विल बी एम बी आर, वो किसके बराबर होता है? एन एच बाय 2 पाई के बराबर होता है। और ये n क्या हो सकता है? 1, 2, 3 क्या बताएगा? ये सेल बताएगा। और अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दिस n इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है? yes. समझ गए, इतना ही वो बताया है, इसको फटाफट नोट करो और हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद तुम लोग डर जाओगे जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा। 58 हो गए,
टाइम ही नहीं रहता। कल से 12 बजे से क्लास है, ध्यान रखें 12 बजे आ जाया करें सभी लोग, डेढ़ घंटे का है, जल्दी जल्दी खत्म होगा। छप लिए हो गए? अरे हो गए? नहीं, सोनाटा का जीत जाएगा 500 में बेच के एक वड़ा पाव खा लेंगे, चाय पी लेंगे, सैनिटाइज करके बेचेंगे, सामने सैनिटाइज कर देंगे, अब बेचेंगे। अरे हो गए, नोट कर लिया, चलो नेक्स्ट लिखो। वो कलर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, अभी दिखेगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अच्छा, इसके ऊपर पहले लिखो वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ एटम। देखिए वेव हेडिंग डालिए, वेव मैकेनिकल, इधर लिख देता हूं मैं, वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ एटम। हो गए, देखो यहां तक जितने हमारे साइंटिस्ट थे लगभग ये 50 60 70 80 90 100 साल तक ये लोग जी तोड़ मेहनत किए और इधर उधर ये वो सब कंसेप्ट बना के रखे, सब कुछ कर लिए। उसके बाद हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन आए, श्रोडिंगर वेव, श्रोडिंगर नोट, उसने इक्वेशन दिया, उन्होंने कहा कि ठहरो तुम लोगों से ना बेटा कुछ नहीं होगा, समझ गए, तो चुपचाप बैठो, जो मॉडल बनाए हो हमें दे दो, बाकी हम खुद चला लेंगे। ठीक है, मैंने कहा आप जो सोच रहे हैं कि एटम क्या है, पार्टिकल्स है, सब गलत बात। आप उसको पार्टिकल क्यों समझ रहे हैं? जैसे तुम लोग कहोगे सर आप हमें क्या समझ रहे हैं, मैं बोलूंगा आदमी, सर गलत समझ रहे हो, वी आर नॉट ह्यूमन बींग। अरे है या नहीं, अरे है या नहीं, नहीं है, अरे है या नहीं, खड़े हो जाओ, हाँ तुमसे पूछ रहा हूं, है या नहीं, यस और नो, अरे यस और नो, बोलो यस और नो, बोलो यस, हाँ बैठो। तो क्या है सर आप हमें क्या समझ रहे हो, आदमी समझ रहे हो? नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, वी आर गॉड। अरे है नहीं, हम क्या है, भगवान है, बच्चों में क्या होते, भगवान होते हैं, तो तुम लोग क्या हो गए, भगवान हो गए। अरे है नहीं, तो उसी तरीके से श्रोडिंगर साहब ने कहा कि देखो आप लोग ना गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है,
एटम को आप क्या समझ रहे हैं, पार्टिकल समझ रहे हैं, बट एटम पार्टिकल्स नहीं है, ये वेव है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे पास नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो ये बता रहा है कि एटम क्या है, पार्टिकल्स है। उन्होंने कहा अरे रुको आप ठहरो, मेरी बातें तो कंप्लीट होने दो। कहा फिर कहा एटम क्या है, वेव है, मगर साइमल्टेनियसली ये क्या करता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है। मतलब जिस तरीके से तुमने पढ़ा होगा लाइट इज ड्यूअल इन नेचर, पढ़ा था, अरे पढ़ा था या नहीं, आज लोगों को पता है नहीं। अच्छा पार्टिकल्स नेचर और वेव नेचर समझते हो क्या होता है, नहीं समझते, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा ये समझो कि मैं इधर खड़ा हूं और तुमने उधर से टॉर्च मारा, लाइट मारा, तो कुछ होगा क्या मुझे, क्या एनर्जी मेरे को क्रॉस करेगी या नहीं, एनर्जी क्रॉस करेगी ना, लाइट जो वेव है वो मेरे मुझे टकराएगी ना वेव। अच्छा एक्सरे के सामने मैं खड़ा रहूं, एक्सरे मशीन के सामने, और तुमने एक्सरे मशीन चालू किया, तो क्या वेव मेरे आर पार होगा या नहीं, होगा। मतलब एनर्जी क्या हो रहा है, मेरे अंदर एनर्जी तो आ रही है ना, वो मेरे अंदर क्या लगा रही, एनर्जी लगा रही, अरे है या नहीं। सनलाइट में तुम जाकर खड़े हो जाओ, एक घंटे खड़े रहो, बॉडी क्या होगा, चलना चालू हो जाएगा, अरे जलेगा या नहीं। पूरे दिन खड़े रहो तो मतलब जलेगा, मतलब ये नहीं पूरा बर्न हो जाएगा, मतलब क्या होगा, काफी ज्यादा हीट फील होगा आपको, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो एनर्जी दे रहा है या नहीं, अरे दे रहा है या नहीं, वो एनर्जी दे रहा है। एक तो ये तरीका होगा एनर्जी देने का, दूसरा मैं क्या बोलूं तुम्हें, सामने खड़े कर दिया है और एक लोहे का बॉल लेकर के मैं मार दूं तुम्हें, क्या तुम्हें एनर्जी लगेगी या नहीं, मिलेगी या नहीं, लगेगा तो क्या होगा, आपको इंपैक्ट देगा, मतलब क्या क्या एनर्जी ट्रांसफर किया, अरे किया या नहीं। तो दो मेथड है एनर्जी ट्रांसफर करने के, एक क्या हो गया आपको सनलाइट में खड़ा किया हमने, अरे किया है तो वो भी आप क्या करें, एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे हैं। दूसरा हमने क्या किया, आपको बॉल मारा है खींच के, तो भी आपके बॉडी में क्या होगा, एनर्जी जनरेट होगी, वो भी क्या करेगा, आपको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, अरे करेगा या नहीं, क्लियर है ये बात, क्लियर है। तो एनर्जी कितने तरीके से, जो हमने बॉल मारा क्या किया, हमने अपनी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, तुम्हारे पास आकर के पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया, अरे हुआ या नहीं, तो एनर्जी ट्रांसफर किया ना। तो दो तरीके से किया, एक क्या है वेव से किया, दूसरा क्या हो गया पार्टिकल से किया। तो जो बॉल मारा हमने जिसमें मोमेंटम है वो क्या हो गया हमारा पार्टिकल्स नेचर, और जो वेव के थ्रू आ रहा है वो क्या हो गया वेव। समझ गए ये पॉइंट, क्लियर है। तो ये चीज तुमको ये नहीं समझना क्या है वेव क्या है पार्टिकल्स, तुमको बस इतना याद रखना है दुनिया में जो एनर्जी ट्रांसफर है दो मोड से होते हैं, या तो वेव के मोड से हुआ या तो पार्टिकल्स के मोड से हुआ, क्लियर है। इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसफर हो रही है किस मोड में ट्रांसफर हो रहा है, वेव, इलेक्ट्रॉन क्या है एक वेव है, तो वेव के मोड में ट्रांसफर हो रही है, क्लियर है। वाटर टॉप टू बॉटम आ रहा है किस मोड में आ रहा है, पार्टिकल्स मोड में ट्रांसफर हो रहा है, क्लियर है। समझ गए, तो वेव और पार्टिकल्स मोड समझ गए, क्लियर है। तो अगर किसी पार्टिकल्स में दोनों ही नेचर हैं तो उसको क्या बोला हमने, ड्यूअल नेचर का बोला है, क्लियर है। बात समझ गए यहां तक की बात है, क्लियर है सभी को। तो आपको क्या याद रखने हैं कि इलेक्ट्रॉन इज ड्यूअल इन नेचर, क्लियर है। तो नोट करेंगे वहां पर सबसे पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू सोडिंजर इलेक्ट्रॉन इज ड्यूअल इन नेचर, अकॉर्डिंग टू सोडिंजर इलेक्ट्रॉन इज ड्यूअल इन नेचर। ये एक पॉइंट तुम याद रखोगे, हमारा पूरा क्वांटम नंबर खत्म हो जाएगा, ये याद रहेगा क्वांटम नंबर पूरा खत्म। समझ गए, अरे समझ गए। अब ये इक्वेशन लिख लीजिए आप, ये नोट में लिख लो ताकि कोई वेव इक्वेशन लिखना पहले, और इधर वेव इक्वेशन ये इक्वेशन लिख लो, हमारे लिए काम कर रही है। बट कल को कोई तुम्हें पूछे कि क्या तुम्हारे सर ने सोडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ाया, तो तुम नोट निकाल के उसको दिखा देना, हाँ देखो पढ़ाया था, और काम का कुछ भी नहीं। एक बार आईआईटी ने इससे सवाल ये पूछा था, ये सारी वैल्यू दे रखी थी और इसका वैल्यू पूछा था, इसका या इसका पूरा वैल्यू पूछा था 2012 में आईआईटी एडवांस का पेपर चले गए में इक्वेशन के सवाल थे 2013, हाँ 12 में था।
हो गए लिख लिया लेकिन कल तो सारे क्वेश्चन देखेंगे फिर यहीं से पाठ चालू होगा हो गए नोट कर लिया चलो चलो मैं फिर जाऊं क्या चलो चलता हूँ हाँ साई साई कौन सा वाला ये ना बोला तो साई S C ये डेल फंक्शन है ना डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा तुम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया क्या होगा ना डिफरेंशिएशन क्या होता है इंटीग्रेशन क्या होता है नहीं पढ़ाया क्या अच्छा जब बेसिक मैथ पढ़ोगे ना तो तुमको पता चलेगा कि दिस इज डिफरेंशिएशन ये डबल डिफरेंशिएशन है डी स्क्वायर लिखा मतलब डबल डिफरेंशिएशन कोई बात नहीं ये तुम्हारे किसी काम पर तत्काल के लिख लिया ना बस भूल जाना लिख करके भूल जाना है जब आप डिफरेंशिएशन सब पढ़ लेंगे तो लास्ट में जब आपका जो बचा हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर है पढ़ाया जाएगा उस टाइम समझ में आ जाएगा अच्छा ये क्या सब बताना चाह रहे समझ गए अभी तुम लोग लेट हो ना अगर लेट नहीं होते तो उसे बंद कर दो तो अभी सब कुछ पढ़ा देता मैं मगर अभी लेट हो तुम लोग तो सिर्फ ये बता दिया कि ये कुछ होता है क्योंकि क्वांटम नंबर हमारा इसी इक्वेशन से डिराइव हुआ है इसलिए हमें इसकी आवश्यकता है समझ गए।